दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो चुका है। वहीं वीरवार के दिन की बात करें तो हल्के बूंदाबांदी और आंधी के बाद मौसम में काफी रुख बदला है और अब मौसम ठंडा हो चुका है। अगर आज के तापमान की बात करें तो लगभग 29 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मैं दिखाना चाहूंगा कहीं न कहीं लोग मौसम का आनंद लेते साफ नजर देखे जा सकते हैं। वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम ठंडा बना हुआ है और पिछले अगर एक महीने की बात करें तो सख्ती गर्मी और धूप से लोगों का बुरा हाल हो रहा था। धूप पड़ रही थी और सख्ती गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी, उससे कहीं न कहीं लोगों को जरूर राहत मिली है और इस समय लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं। कहीं न कहीं वीरवार के दिन देखा गया था हल्की बूंदाबांदी हुई थी। वहीं मौसम विभाग ने भी आशंका जताई थी लगभग 8 जून तक मौसम ठंडा बना रहेगा और 4 जून से जो है ये मौसम ठंडा बना हुआ था और लगभग 8 जून तक की जो मौसम विभाग ने आशंका जताई थी वो देखा जा रहा है साफ तौर पर मौसम ठंडा बना हुआ है। कुछ तो लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिसकी बात करते हैं मौसम से कितनी राहत मिली है, मौसम ठंडा हो चुका है, काफ़ी राहत मिली मौसम से। पहले काफ़ी गर्मी हो रही थी, अब काफ़ी आराम है मौसम में। ये कि बारिश का इंतजार है, बारिश हुआ तो बहुत आराम हो जाएगी। बारिश हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है इससे कितनी राहत मिल रही है? और काफ़ी अच्छा राहत मिली है इससे, लेकिन ये कितने में कुछ होगा नहीं, परवाला और जम के बरसाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर देखा जा रहा है लगभग एक महीने से सख्ती गर्मी पड़ रही थी तो लोगों को बीमार भी पड़ रहे थे, क्या बच्चे भी बीमार पड़ रहे थे, तो क्या कहना चाहिए? बच्चे पूरे जवान सभी को फर्क पड़ रहा था। ये था कि जो लोग कमज़ोर थे वो ज़्यादा बीमार पड़ गए, कुछ तो लोग मर भी चुके हैं। बाकी ये कि गर्मी का ये है कि पहले से काफ़ी फर्क है, गर्मी में काफ़ी राहत। जैसा कि साफ तौर पर कहना था कि गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिली है और जो अगर ऐसा ही 8 जून तक रहा तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा मानसून का असर साफ तौर पर दिख रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिल रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।